सही मायने में अगर इस मुल्क में आरक्षण का कोई लाभ ले रहा है तो अकेले ब्राह्मण जाति के लोग हैं। आबादी है मात्र 2.5%, और आपने देश के संसाधनों पर 60% संसाधनों पर कब्जा जमा के रखा है। आप जाकर के केंद्रीय मंत्रालय के सचिवों को देखिए, 90% सचिव ब्राह्मण जाति से आते हैं, आबादी 2.5%। आप मंत्रालयों को जाकर देखिए, आप मंत्रियों को देखिए, आप राज्यपालों को जाकर देखिए, हर जगह आप बैठे हैं और कहते हैं आरक्षण का लाभ दलित उठा रहे। आपने तो लिमिटेशन करके रखा है। मैं देश के संविधान में संशोधन की मांग करता हूं नरेंद्र मोदी जी से, और अगर वो चाहते हैं कि देश में सबका साथ सबका विकास हो तो जिसकी जितनी आबादी है उसको सत्ता में उतनी भागीदारी दीजिए। अगर स्वर्णों की आबादी 12% है तो 12% से 12.1% सीट पर स्वर्णों को ना नौकरी मिलेगी, ना उनको जनप्रतिनिधियों के तौर पर हिस्सेदारी मिलेगी, ना संवैधानिक पदों पर कहीं उनको रखा जाएगा। अगर मुसलमानों की आबादी 18% है तो 18% मुसलमानों को हर क्षेत्र में धरना देना पड़ेगा। आप कर क्या रहे हैं? आप देश में कौन सा माहौल बना रहे हैं? आपने गुजरात के चुनाव में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। करना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं? आप दलितों को सीट सिर्फ उसी जगह पर खड़ा करते हैं जो आरक्षित सीट है, उसके साथ आप कहीं दलितों को खड़ा नहीं कर सकते। क्या कर रहे हैं आप? जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों के विकास के लिए मूल मंत्र दिया था तो उसमें जितनी जातियों की आबादी थी उस हिसाब से आरक्षण दिया था, और उसके बाद तकरीबन 6,000 नई जातियों को आपने एससी एसटी और के कानून में के आरक्षण के बीच में दर्जा दे दिया। तो आपने जिन आबादियों को उसके साथ जोड़ा है, क्या आरक्षण का दायरा आपने बढ़ाया? आबादी के हिसाब से आरक्षण की आप बात करें ना, हम कहां करें? हम भी चाहते हैं कि आरक्षण मिले, स्वर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, दलितों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, ईसाइयों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जिसके जितनी आबादी है सत्ता में उसको उतनी ही भागीदारी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि किसी की आबादी 50% नहीं 70% है, आपने उसका दायरा सिर्फ 50% रखा है, हम इसका विरोध करते हैं। संशोधन कर करके आबादी के हिसाब से आरक्षण दीजिए, और ये जो ब्राह्मणवाद संघवाद की राजनीति है उससे देश को मुक्ति दिलाइए।